बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अब्दुल अजीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन साइंस एंड आर्ट्स पार्ट वन और पार्ट टू के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन डाटा का जो फॉर्म तश्कील दिया है, उसमें आपने डाटा किस तरह एंटर करना है और वो क्यों एंटर करवाया जा रहा है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मैं पीयू की वेबसाइट पे मौजूद हूँ, तो अभी यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ उस पेज को जो आप पीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप वहाँ पर रीडायरेक्ट मैं कर रहा हूँ और उसका फाइनल पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने फर्दर क्लिक करना है अगर आप पीयू की मेन वेबसाइट से आ रहे हैं। ये जो वेबसाइट है बेसिकली यहाँ पर डाटा आपने फिल करना है, अलग से एक फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस जगह पर आ जाएंगे, आप वहाँ पर डाटा एंटर कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो पीयू की तरफ से आपको एक फॉर्म एक छोटा सा कार्ड सा दिया गया था, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वाला कार्ड उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। आपके पास यहाँ पर दो चॉइसेज हैं, यहाँ आप अपना फुल नेम, अब डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, यहाँ पे CNIC नंबर, रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ। तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करता हूँ। सबमिट पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ पर जो मेरा फॉर्म आ गया है, नेम मेरा जो है फादर नेम CNIC, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट नेम आ गया है मेरा। अब यहाँ पर मुझे अपनी ईमेल वगैरह ऐड करनी है। यहाँ पर आप जीमेल की जो ईमेल है वो ही ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर अपना अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है और उमूमन लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिफरेंट होता है, तो आपका अगर सेम है तो यहाँ पर आपने व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपकी व्हाट्सएप बनी हुई है वो वाला नंबर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपने जो नंबर एंटर करना है वो 92 जो स्टार्ट का कोड होता है वो लगा के एंटर करना है, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी सबमिट किया तो ऊपर ये आ गया है रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। ये सिंपल सा काम था, ये देखे डाटा एडिट सक्सेसफुली हो गया हमारा। अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें सेंड कर देंगे हमारे व्हाट्सएप वगैरह या करेंगे या जिस तरह भी होगा। तो ये जो डाटा एंटर का जो लास्ट डेट है वो है 10 मई, तो 10 मई तक आप इस डाटा को एंटर कर दें जल्दी जल्दी, और ताकि आपका फर्दर जो पेपर का जो सारा स्केड्यूल है हो सके। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि यार आप पेपर किस तरह होगा, पेपर ऑनलाइन होगा, प्रॉपर सेंटर्स में जाके ऑनलाइन पेपर होगा जिसमें आपको MCQs का पेपर करना होगा, और इसके अलावा कुछ लोग तैयारी के बारे में परेशान है। तो पीयू वालों ने मुकम्मल जिम्मेदारी उठाई है कि हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वेबसाइट पे, जैसे भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप तैयारी कर सकेंगे, तो उसके बाद आपका पेपर। अपने मेज़बान अब्दुल अजीज़ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।